जामिया मामले में अब गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि जामिया में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ उस दौरान दिल्ली पुलिस ने गोली नहीं चलाई और इस बात को लेकर अब ये गृह मंत्रालय की तरफ से सफाई आ रही है। हालांकि कई चश्मदीद और कुछ छात्र ऐसे हैं जो सामने आए हैं और जिन्होंने कहा है कि पुलिस द्वारा गोली भी चलाई गई। हमारे साथ राशिद अलवी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। गृह मंत्रालय तो कह रहा है कि एक गोली भी नहीं चली। देखिए, जुडिशियल इंक्वायरी कराइए, सच पता चल जाएगा। सफदरजंग का डॉक्टर कह रहा है कि उसके यहाँ एक लड़का एडमिट है जिसे गोली लगी है, मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ। हमने फोटो में देखा है खून बहते हुए वहाँ जामिया के बच्चों का। गैर जिम्मेदाराना बयान है। अमित शाह जी को खुद जाना चाहिए जामिया में और जाके सच्चाई का पता करें। देश के गृह मंत्री हैं आप, पूरे देश के गृह मंत्री हैं। अगर कोई वाकया होता है, अगर कोई शिकायत है लोगों को, जाके दूर कीजिए। लेकिन आप अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, कैसे गृह मंत्री हैं आप? देश सिर्फ जामिया की बात नहीं है, देश के 22 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं CAA को लेके। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। देखिए, आसाम जल्ला है, 5 लोग मारे गए, कर्फ्यू लगा हुआ है, कश्मीर में फौज लगी है, कर्फ्यू लगा है, 22 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं, तमिलनाडु, बंगाल, केरला एजिटेशन हो रहा है, यूपी के अंदर एजिटेशन हो रहा है। ऐसा कौन सा कानून है कि जो सिर्फ अमित शाह जी और प्रधानमंत्री की ही समझ में आता है, बाकी सारे देश की समझ में नहीं आ रहा है? सारा देश उसकी मुखालफत कर रहा है। क्या लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं आप? क्या इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं कि जो आप कहेंगे वही होगा? जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही तकलीफ की बात है। देश अंधकार में डूब रहा है। कई मुल्कों ने एडवाइजरी जारी कर दी है। यूनाइटेड नेशंस के बयानात मैं जबान से नहीं बता सकता जो वहाँ से खबरें आ रही हैं। अमेरिका की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि हिंदुस्तान में जेनोसाइड की तैयारी हो रही है। ये देश के लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को समझ में नहीं आ रहा है। गंभीर मसला है, इसलिए विपक्ष इकट्ठा है। क्या सारा विपक्ष देश विद्रोही है? दो ही आदमी देशभक्त हैं इस देश के अंदर। विपक्ष को चिंता है, देश के लोगों को चिंता है। 22 यूनिवर्सिटीज़ के लड़के अगर सड़कों पर उतरे हैं तो ये नहीं है कि वो आंखें बंद करके उतरे हैं। पढ़े लिखे लड़के हैं, वो जानते हैं कि कानून का क्या मतलब है और इस कानून के क्या नतीजे निकलने वाले हैं।